हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, 10th स्टैंडर्ड के साइंस फ्रॉम के मैं सारे लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हम पहले लेसन की तरफ बढ़ेंगे। पहला लेसन है ग्रेविटेशन। फ्रेंड्स, मैंने टेक्स्ट बुक्स ऑलरेडी टैब में डाउनलोड करके रखी है। अगर टेक्स्ट बुक्स कैसे डाउनलोड करना है ये आपको पता करना हो तो उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना ली है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक से वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ठीक है, ये आया लेसन नंबर वन ग्रेविटेशन। फ्रेंड्स, सब पॉइंट्स इसके जो दिए हैं वो है ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, किपलर्स लॉज, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, फ्री फॉल, एक्सेप्ट वेलोसिटी। हम एक एक चीज को रीड करते जाएंगे और फिर एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। और कैन यू रिकॉल करके तीन क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था फोर्स एक्ट होने के क्या पूछा है, इफेक्ट्स। तीन इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तीन इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट है कि चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन द शेप। ये तीन इफेक्ट्स हमने पढ़े थे। व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर, बहुत सारे फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस से हम ऑलरेडी फैमिलियर है। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जो ये लेसन से काफी अलग है, उसमें आपको बहुत डीप में सीखने को मिलेगा, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, प्लीज दे दूंगा, आप वो भी देख लो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मास, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मास। ठीक है, हम लेसन स्टार्ट करेंगे। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये अर्थ के ऊपर हर ऑब्जेक्ट के नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। मैं खुद भी ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरा खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेबल का भी है, ये मार्कर का भी है, इंक का भी है, सब चीजों, फाइबर का भी है, सब चीजों का ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट दिस फोर्स एंड डिस्कस। ठीक है, ग्रेविटेशन, एज वी हैव लर्न द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर इज़ैक न्यूटन। एज द स्टोरी गोज, ही discovered the force by seeing an apple from a tree or fall out from a tree to the ground. He wonders why all apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? Friends, जब apple ऊपर से नीचे गिरा तब न्यूटन के दिमाग में कुछ questions हैं। questions ये थे कि apple ऊपर fly क्यों नहीं करता? ठीक है, और उसने सोचा कि डायरेक्टली वर्टिकल क्यों गिरता है, वो कोई एंगल से क्यों नहीं गिरता है, ऐसे क्यों नहीं गिरता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे उसके माइंड में। ठीक है, ये चैप्टर का एक सिनेरियो दिया हुआ है। आफ्टर मच थॉट ही केम टू एन कंक्लूजन दैट द अर्थ वाज बी अट्रैक्टिंग द एप्पल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction, the position of the apple, and thus the apple falls vertically downwards. आपको समझ गया होगा कि towards the center earth attract करता है, इसलिए apple नीचे vertically गिरता है। अब आप बाजू में figure देख सकते हैं। ठीक है, concept of gravitational force and the gravitational force between the earth and the moon. ठीक है, figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force of an apple on the tree is towards the center of the earth along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth.
figure also shows the gravitational force between the Earth and the Moon. The distances of the figure are not according to the scale. ठीक है, वो तो जस्ट दिया है. सो फ्रेंड्स, बस इतना ही बताना चाह रहा है, मिस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ एन ग्रेविटेशनल एक्शन एट अर्थ ऑन अ ट्री एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट ग्रेटर हाइट फार अवे फ्रॉम द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल मून कैन इट एक्ट ऑन फर्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट एंड द सन. न्यूटन ने सिंपल लॉजिक लगा के अगर ये चीज को नीचे गिरते समय अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, तो मून को अट्रैक्ट करती हूँ. फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मून को भी अर्थ अट्रैक्ट करती है. मून की अपनी एक ग्रेविटी फोर्स है, सो उसकी वजह से मून अर्थ पे कोलाइड नहीं होता, इसलिए हम सेफ हैं. पर हर चीज की ग्रेविटी नहीं होती तो फ्रेंड्स पूरी अर्थ तबाह हो जाती. ठीक है, अब यूज ऑफ एसिटी ऐसे प्रोजेक्ट टाइप दिया है, कलेक्ट वीडियोस एंड पैनल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंस टाइप. ठीक है, ठीक है. फोर्स एंड मोशन, वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी भी मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्रेंड्स, ये तो मैंने अभी भी बताया कि कोई भी चीज का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे अगर ये नीचे आ रहा, मैंने फोर्स लगा के ऐसे किया आप जरूर देखिए, इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट इज़ैक न्यूटन बर्थडे फिगर देख रहे हैं, अ स्टोन टाइप टू द स्ट्रिंग मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स आप एक इमेजिन करो कि सर ये स्ट्रिंग है, इसके ये हिस्से में हमने वेट टाइप किया, ये हिस्से को हमने पकड़ के स्ट्रिंग को घुमाया. ठीक है, एग्जैक्टली बना पाया हमने. घुमाते वक्त ये स्ट्रिंग जब घूमेगी तो ये उसका सेंटर, सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रल सिकिंग फोर्स है. अगर इस स्ट्रिंग को मैंने छोड़ा तो ये स्ट्रिंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाए, वेट टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाए. तो सेंट्रिपिटल फोर्स यानी एक्चुअली क्या है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स यानी सेंट्रल सिटिंग फोर्स, ये जो सेंटर से फोर्स है. और अगर हमने वो स्ट्रिंग छोड़ी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाए. ये पूरा आगे दिया हुआ है, फिर एक बार हम जस्ट रीड कर लेंगे. If the other end in your hand, the string moves around a circle at your plane. कुछ नया भी है कि हम देख रहे हैं, इसको अलग दिया है. बोलिए फिर पूरे टूअर्स में एक नहीं होते हैं पर फाइव टू पॉइंट. हाँ, एक गेम था जैसे डिस्क रहती है उसके पास फाइव का पॉइंट रहता है, जब वो ग्रिड रुकती है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है पॉइंट. ठीक है, ठीक है. यू नो दैट द मून विच इज द नेचुरल सेंटर ऑफ अर्थ ऊपर एक सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन दी. फोर्स एक्ट ऑन एन ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द सर्कल एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स इन सेंटर सिटिंग दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन लर्न कर लीजिए बाय हार्ट, समझ के लर्न कीजिए, रट्टा मत मारिए. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत बार पूछी जाएगी ऐसा मेरे को लग रहा है. यू नो दैट द मून व्हिच इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज राउंड इट इन अ डेफिनेट ऑर्बिट. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून एज वेल एज द स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन. फ्रेंड्स, इसमें वही दिया है कि मून की
moon goes around the in a definite orbit, the direction of the motion of the moon as well as the speed constantly changes and you could constantly change with that. Iska reason aage diya. Do you think some forces constantly act? Yes, actually hota hi hai. What must be the direction of this force? How would its motion have been if no force would be acted on it? Ab koi force act nahi hota. So direction is constant, like speed constant rehti, or maybe speed rehti. But moving object is the example of constant speed. ये बहुत सही बात है. यानी ये अगर मैंने इसे constant रखा हुआ है तो ये एक uniform motion है. Uniform motion तो uniform force लगा हुआ है पर उसका ही थोड़ा reference यहाँ पे दिया हुआ है. तो हमने ergo activity example question से this clear then move the earth is force. फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली मून कैसे घूमता है. फ्रेंड्स ये अर्थ है. अर्थ ये फ्रेंड्स वैसे तो मैंने वो ग्रेविटी वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये जो अर्थ है ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उसकी वजह से मून अट्रैक्ट होता है अर्थ. फ्रेंड्स मून में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट होती है मून की तरफ, मीन अर्थ रिपेल होती है मून से, इसलिए दोनों कोलाइड नहीं होते. ग्रेविटेशनल फोर्स से रीजन है कि दोनों कोलाइड नहीं होते और दोनों कोलाइड नहीं होने की वजह भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. Kepler's law. Friends, planetary motion has been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observation of the planets' positions were made up with naked eyes. By the 16th century, a lot of data was available about planetary positions and motions. Kepler studied this data. He noticed that the motion of the planets follows certain laws. He stated three laws describing this motion. उसके तीन laws हैं Kepler's first law, second law and third laws of motion. पहला law है the orbit of a planet its ellipse with the sun with sun at one of the foci. sun के कोई भी foci से ellipse होती है orbit. circular orbit में ellipse होती है. ये एक law है. इसका रीजन भी उसने स्टेट किया था. ठीक है, आप अगर फिगर बाजू में देख सक रहे होंगे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाई हुई प्लैनेट की. सेकंड लॉ द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्विफ्ट इक्वल एरियाज इन द इंटरवल्स. फ्रेंड्स आप फिगर में देख सकते होंगे तीन जो ब्लू कलर के एरियाज दिए हैं वो सेम है. ये टॉपिक आपको बहुत लोगों को समझा नहीं होगा, ये मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. फ्रेंड्स ठीक है, ये अपनी अर्थ, ये ऐसे 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 मोर मोर. ठीक है, ये जब ऐसे मूव होते हैं तो अगर अर्थ मिस टाइम सेम रखना है, यानी अगर अर्थ एक सेकंड में अर्थ हटा ही देता हूँ मिस. ठीक है, अगर अर्थ यहां से यहां तक एक घंटे में ट्रैवल करती है वन आर, तो ये जो एरिया होगी विद द सन, ये जो एरिया विद द सन, तो ये एरिया और अगर अर्थ यहां से यहां तक वन आर में कंप्लीट करती है और इसकी सन के साथ अगर हम जोड़ दें इसको सन एज अ सेंटर रख के, तो ये तो यस सेम होगी. एक बार फिर से सन, अगर अर्थ इतना कवर करती है एक घंटे में, ठीक है, सन को मैं एक सेंटर रख लेंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे. ठीक है,
जितना अर्थ एक घंटे में कवर करके उठता, और यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, अर्थ यहाँ से आता एक घंटे में नहीं तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो फिर इसके एरिया और इसके एरिया सेम, ऐसा फॉर्म किया किपलर ने। उसका थर्ड लॉ देखते हैं अब हम, तो उसका थर्ड फ्रेंड्स, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली क्या कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, यानी अगर हमने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ले लिया टी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ले लिया टी, देन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, जो कि रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू बाय द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। फ्रेंड्स क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस एंड मीन डिस्टेंस को आर लेंगे, यानी रेडियस, हम मीन रेडियस निकालेंगे एक कोई भी इलिप्स। ठीक है, तो इसका इसका स्क्वायर अपॉन इसका आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हम तो कॉन्स्टेंट को नेम दे देते हैं के। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तीनों भी लॉस के स्टेटमेंट आप बाहर कर लीजिए, तीनों भी लॉस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो थर्ड लॉ है, इसका जो ये फॉर्मूला है, इसको भी आप अच्छे से याद करके रखें। न्यूटन्स, अब हम आते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑल द अबव कंसीडरेशन इंक्लूडेड केप्लर्स लॉज लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट his theory of universal gravity. According to this theory, every object in this universe attracts every other object with a definite force. फिर यहाँ पे दिया attract, पर actually हर जगह attract नहीं होता। gravitational lenses जैसे concept भी है जहाँ पे gravity repel करती। फिर भी friends, अगर आपको इसके बारे में deep जाना हो तो मेरी gravitational वाली video जरूर देखिए, उसके लिए मैंने आपको link दे दूँगा। friends मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि हर एक concept clear होना चाहिए। According to this theory, every object in this universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, एक बार आप ये sentence को ध्यान से पढ़िए। Force is directly proportional to the product of the masses. हमने masses ले लिए m1 and m2. हमने मासेस क्या लिए, एम सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द लिमिट डी। सो हम ये दो से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि F is equal to m1 into m2, sorry, is directly proportional to m1 into m2 upon b square. तो ये साइन को इक्वलिटी साइन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट डालेंगे, तो कॉन्स्टेंट है g, ये सब दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये लॉ भी आप लर्न करके जाइए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ओके फ्रेंड्स सॉरी, एक्चुअली चार्जिंग डाउन हो गई थी ऐप की, इसके छोड़ दी। ओके हाँ, तो हम आते हैं वापस। सो जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज नोन एज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट जी के फिक्स वैल्यू भी है, वो फिक्स वैल्यू अगर आप नीचे जाओगे तो पेज नंबर 5, सॉरी पेज नंबर 4 के एंडिंग में आप देखो, द एसआर वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इनटू 10 टू माइनस 11.5
11 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर अपॉन केजी केजी इज टू माइनस टू, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब मानी का देखेंगे, द एबोलॉन मीन्स दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड फोर्स विल बी डबल्ड, ठीक है। एट द डिस्टेंस इज डबल्ड विद दिस द फोर्स फैक्टर फोर टाइम्स, इफ द बॉड टू बॉडी इज स्फेरिकल द डिस्टेंस विल बी, ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स अब आप एक सिंपल लॉजिक लगाओ कि अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो इसके ऊपर क्या आना है, ये भी डबल। अब मैंने इसको भी डबल कर दिया तो ये डबल का स्क्वायर यानी ये डिवाइड बाय फोर होगा, यानी ये फोर टाइम्स लेस, ठीक है। पर मैंने इसको हाफ किया तो ये फोर टाइम्स हो। एक सिंपल लॉजिक की बात है, सबको ये पता होना चाहिए। ओके, इफ टू बॉडीज आर स्फेरिकल, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन टू जो मीन इक्वेशन टू हुई है जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, एफ इक्वल टू जी एन वन एन टू वन डी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ द जी कैन बी ऑब्टेन बाय टू मास एट द यूनिट डिस्टेंस एंड फाइंडिंग द एसआई यूनिट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी की एसआई यूनिट है 1 केजी के 1 मीटर अपॉन, सॉरी, जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 केजी के अपॉन 1 मीटर। फ्रेंड्स बाजू में यूज योर ब्रेन पावर के बॉक्स में दिया है कि शो दैट इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेस टू माइनस टू। चलो हम ये प्रूफ करें, ठीक है। अब हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू जी एम अपॉन स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जी को यहाँ पे लिख देंगे, इस ये डी को इधर लिखे जाएंगे, एम वन बाय एम टू को इधर लें, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू विल इक्वल टू जी, ठीक है। ये क्लियर है, हमने सिर्फ एल एच एस आर एच एस को एल एच एस में लाया स्क्वायर, ठीक है। अपॉन जी इसके सिंपली यूनिट्स रिप्लेस करते हैं, एफ की यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की है मीटर स्क्वायर, मीटर है और ये स्क्वायर हो जाएगा एम एंड एम टू के जी स्क्वायर। और हम अगर ये के जी को ऊपर लेके जाते हैं तो इंटेलिजेंस के रूल्स के हिसाब से ऊपर आएगा मल्टीप्लाई बाय के जी रेस टू माइनस टू, क्योंकि उसकी यूनिट डी इतना कुछ हार्ड नहीं था। फिर जो है ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये भी अच्छे से एक बार ध्यान दे दो, अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो पे एक बार रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। सेंटर ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट at which the total mass of the object can be assumed to be concentric. The center of the mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical center. The center of the mass of the object having universal density is centroid. Friends, ये डिब्बे में सिर्फ एक ही बात समझाई हुई है कि अगर मेरे को ये इसको होल्ड करता हूँ, फ्रेंड्स मैं ऐसे इसके सेंटर से होल्ड करूंगा और मैं बाजू से होल्ड कर रही इस साइड देखा, सेंटर से होल्ड किया तभी ये स्टैंड है। तो सेंटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, व्हाई डिड न्यूटन एज्यूम दैट इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑफ ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ही वॉज हेल्प बाय द किपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको एक बार और देखें किपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप देख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के व्हिच इज कांस्टेंट, ठीक है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन विद इट्स स्पीड कांस्टेंट, वी हैव अर्लियर सीन दैट सच मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज सेंट्रिपेटल फोर्स, इफ एम इज द मास of the object, v is the speed, r is the radius, then it is shown f is equal to mv square upon r. F is equal to mv square upon r. ठीक है,
ये कैसे है? अगर आपको देखना है तो डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है। हाँ, तो अब हम एक डेरिवेशन देखेंगे इसका फोर्स की वैल्यू का, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि आर वुड बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, टाइम टेकन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ले लेंगे, पेरिमीटर 2 बाय आर, ठीक है। v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 बाय आर अपॉन टाइम टेकन विल बी टी, देयरफॉर v इज इक्वल टू v की वैल्यू मिलेगा। अब f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, f इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन r। और अब v की वैल्यू अगर हमने रिप्लेस की तो उसकी जगह v की जगह आएगा 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब एक r और यहाँ पे r स्क्वायर में से r कैंसिल हो गए, उसके बाद हमको मिलता है जैसे हमको रिजल्ट मिला है यस यस अपॉन t स्क्वायर, और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर, ठीक है। तो इससे फिर आएगा हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि केपलर्स थर्ड लॉ के हिसाब से हम टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू है के, तो यहाँ पर उल्टा है इसलिए हम वन अपॉन के लेंगे, इसलिए नीचे आ जाएगा है के। फ्रेंड्स आई होप आपको समझा होगा केपलर्स के थर्ड लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर बाय आर क्यूब की वैल्यू के है, यहाँ पे हम आर स्क्वायर बाय टी क्यूब आर क्यूब बाय टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वन बाय के होगी, ठीक है। वो वैल्यू पुट करने पर एफ इज इक्वल टू एम वी हो करेगा, तो ठीक है अपॉन आर स्क्वायर के, बट दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई होप आपको फोर्स का ये डेरिवेशन जमा होगा। फ्रेंड्स बारवा बोल रहा हूँ, आप एग्जाम नोट कर लो, डेरिवेशन, लॉस के स्टेटमेंट, डेफिनेशन, मैरिकल्स, डिफरेंसेस, अगर आपने पांच टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए फिजिक्स के तो मेरे को नहीं लगता आप कहीं पर भी फिजिक्स में मार्क्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल एग्जाम्पल्स दिया है महिंद्रा ने दिया। फ्रेंड्स जो पहला सॉल एग्जाम्पल है इसमें सीधा सीधा f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर में f छोड़ के बाकी सबके वैल्यू दिए, चुपचाप वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपने को मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड सम में फोर्स ऑफ महिंद्रा दिया है, महिंद्रा से मास दिया है तो अल्फा a इज इक्वल टू द मास अपॉन f फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ab, ये न्यूटन के इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, पर आपको मेरे हिसाब से तो भी ये फर्स्ट इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद a की वैल्यू एफ बाय एम है वो हमने फाइंड कर ली थी, v के नहीं पता, बाकी सबकी पता है, तो v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी इजी सॉल्व एग्जांपल था। अब हम आते हैं फिर से प्रोजेक्ट टाइप दिया है, और पहले इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटोटाइप एंड टाइप उसका भी रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रू मटेरियल या फोर्स डिपेंड कांस्टेंट और विद इट चेंज विद टाइम, न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया उसकी भी वीडियो बनाई, वो भी आप देख सकते हैं, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से अगर मैंने कोई भी चीज अगर चल रही है तो इट शुड नॉट स्टॉप, बट यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स है इसलिए ये स्टॉप हो, अदरवाइज ये स्टॉप होती ही नहीं थी। वैसे आपने इसे कुछ ऊपर थ्रो किया तो ऊपर ही जाना चाहिए, बट ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है इसलिए उसका फोर्स चेंज होता है। बस इतना समझाने के लिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
The Earth attracts every object near it itself, but the gravitational force, the center of the mass of the Earth, is situated at the center. So the gravitational force at any object would be directed toward the center because of the force. Similarly, when we throw a thing, वैसे एक एग्जांपल दिए हुए हैं, उसके बाद वापस जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए वो भी वैसे ही है, कुछ चीज़ों के वैल्यू दिए, कुछ चीज़ों के वैल्यू नहीं दिए, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. देखो हाँ, एक्चुअली एग्जांपल्स लगभग सेम है, ठीक है. अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के. पहले according to the Newton's law of gravitation, object attracts every other object. Thus, if the Earth attracts apple towards itself, the apple must also attract Earth. ठीक है ठीक. ये चीज नीचे जा रही है, ठीक है. और उसको अट्रैक्ट, ये चीज भी ग्रेविटी बनाई हुई है, अर्थ ऊपर की है. अगर मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और इधर की है. फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने इसको पहले से वीडियो बनाई हुई है. मैं आपको ये टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. आप प्लीज सारे वीडियो देखें, क्योंकि उसके बिना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. वो वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स से सब बताया. तो भी अभी मैं एक बार बता देता हूँ कि बिकॉज फोर्स, बिकॉज मास अर्थ का बहुत ज्यादा है और इसका मास बहुत कम है, और ग्रेविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास एज m1 m2. तो अर्थ का अगर मास m1 है तो अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसके लिए हमें m2 वैल्यू निग्लिजिबल, इसलिए फोर्स, इसलिए अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर, ठीक है. अब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन. दिस इज पहली बार बोर्ड की एग्जाम हो रही है तो ऐसे फिलअप्स के ऊपर आप प्लीज ध्यान दीजिए. वेक्टर यानी क्या, अगर आप ये लर्न करने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले. वेक्टर स्केलर का डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स, जो चीज की मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन यानी निगेटिव साइड जिस चीज में डाल सकते हैं वो है वेक्टर. और जिस चीज को हम सिर्फ एज स्केलर है इसके एज को -50 नहीं है. बट वैल्यू ऑफ जी इज अ वेक्टर. वैल्यू ऑफ जी को हम निगेटिव इसलिए लिख सकते हैं जो कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन हो रही हो तो हम उसको निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है. What would happen if there would be no gravity? मैंने पहली बार था पूरा टेस्ट में सुन लेना सर, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. Value of g, friends, value of g find करने का आपने दिया है f is equal to g. वो जो m है वो mass of earth है, m upon r square, f is equal to mg, तो वहाँ पे m upon g तो m upon cancel होगा तो g is equal to g m upon r square. जी की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू, एम की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, अर्थ के तीनों कॉन्स्टेंट ही है तो उसके वजह से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. जी की वैल्यू है 9.77. फ्रेंड्स, जब आप कोई भी सम सॉल्व कर दो जी की वैल्यू लेना, आप इस फायर के देख लो कैंडी नहीं चल रही, क्या 9.8. क्यों? फ्रेंड्स, अगर आपने 9.77 लिया तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसके बाद आपके कैलकुलेशन भी गलत हो सकते हैं. द एक्सेलरेशन इज ओनली डिपेंड्स ऑन मास एंड द रेडियस. सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट ऑफ द अर्थ सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स, ये पोजिशन पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े सबके ऊपर, यानी यहाँ पे चेयर, मैं, पेन, सबके ऊपर सेम अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, पर ये फैन के ऊपर मेरे ऊपर अलग है. क्या चेंजेस रहते हैं? वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. ये जो तीन पॉइंट डी है ना, नहीं दो ही ना, तीन पॉइंट डी है ना,
फिर से 3 मार्क के लिए आने के 90% चांसेस है। इस समय मैं एक फिल्म कर लेता हूँ, तब तक आप एक बार डेरिवेशन रीड करें, फिर डेरिवेशन बार बार बोल रहा हूँ कि आप लर्न कर लेना। ठीक है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी द चेंज अराउंड द सरफेस ऑफ द फ्रेंड्स। आप एक बार, मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। चेंज अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ? नहीं नहीं नहीं, क्यों? अगर ये अर्थ के जो एरिया है, समझो ये अर्थ की एरिया है, ठीक है, इसका सेंटर ही है। अगर एक जना यहां खड़ा है तो इसके लिए जो आर है यानी डिस्टेंस है, रेडियस है, ये रेडियस ज्यादा होगी जो इंसान यहां पे खड़ा है उससे। तो जो इंसान यहां पे खड़ा है, रेडियस से रेडिएशन होते हैं, जो इंसान यहां पे खड़ा है उसको अलग फोर्स एक्सर्ट होगा, जो इंसान यहां पे खड़ा है उसको अलग फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर अर्थ एग्जैक्ट स्फेरिकल होती तो ये डिफरेंस नहीं। ठीक है, वही रीजन दिया है। आर द वैल्यू ऑफ जी दस इज हाईएस्ट 9.832 एट द पोल्स एंड लोएस्ट एट द इक्वेटर 9.78। वही मैंने आपको बताया, पोल्स ज्यादा कम, चेंज विथ हाइट एज यू अबोव द सरफेस। फिर अगर मैं यहां पे हूं अभी, जो चीजें ज्यादा ऊपर रहती कम एक्ट होगी, क्योंकि आप एक बार आप अगर देखना चाहें एक सेकेंड, हाउएवर द डिक्रीज इज रेदर स्मॉल फ्रॉम द हाइट्स वेयर कंपेयर्ड टू द अर्थ रेडियस। वही रेडियस बढ़ जाती है, अगर बहुत हाइट पे है तो रेडियस हम सेंटर से वो हाइट तक कैलकुलेट करें। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ से इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना तो ये रेडियस हम इतनी कैलकुलेट करें, वी डोंट, वी विल नॉट कैलकुलेट रेडियस। सो देयर सो वो एक चेंज होता है, फिर जो प्लेसेस है और उसके हाइट से उसके दिया हुआ है वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये भी आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए। टेबल स्विंग changes of g with the height, ठीक है ठीक है। change of depth, friends ये बहुत interesting बात है। आप बोल रहे होंगे अगर मैं अंदर गया तो बढ़ना चाहिए, तो आर कम हो गया, आर कम हो गया पर वो बढ़ना क्यों? लेकिन ये गुड बात है, about the value of m, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, इसको समझता नहीं, बहुत लोगों को नहीं समझता, उसको टीचर्स को भी नहीं समझता जब वो पढ़ाते हैं, उसमें सब अच्छे से ध्यान दो कि हम सोचेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट इतनी डेप्थ पे है तो रेडियस तो इतनी सी है, सो वाई यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, कम क्यों नहीं है? सॉरी, यहाँ पे क्यों कम है, ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियस कम है तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो ये ग्रेविटी हमें ज्यादा होनी चाहिए, कम है क्यों कम है? जो कि अब उसका मास लेंगे इतना, वी वुड नॉट कंसीडर अर्थ दिस मच बिग, बट वी वुड कंसीडर अर्थ फ्रॉम दिस रेडियस, देयरफॉर वहां पे मास का यूनिवर्सल ग्रेविटी भी कम है। ठीक है, आपको ये नहीं समझा होता एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो में। Value of g is aware of the difference of the moon is, in fact they are on the moon of 1/6 of the value of the earth gravity. Friends, एक और important thing is, एक अच्छा fact है कि अगर आप इतना यहाँ पे jump कर रहे हो, मैंने इतना jump किया तो moon में मैं इसके 6 times jump करूँ, वो यहाँ पे दिया है।
मास एंड वेट, मास एंड वेट, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, मास इज फिर से नोट कर लो पांच चीज डिफरेंसेस, लॉस स्टेटमेंट्स न्यूमेरिकल्स डेफिनेशंस, ये चीजें अच्छे से अच्छे से अच्छे से कंप्यूटर में रखो ना, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी अभी अच्छे से कंप्यूटर में, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, मास इज स्केलर यूनिट जो कि मास नेगेटिव नहीं हो सकता, अगेन इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस इवन वी गो इन अनदर टाइम। फ्रेंड्स वेट इज नॉट अ स्केलर यूनिट बिकॉज वेट यू कैन टेक नेगेटिव, क्योंकि द जी नेगेटिव तो एफ इज वैल्यू एम जी, और एफ इज ऑनली वेट, एफ इज वेट, जी नेगेटिव है तो वेट भी नेगेटिव आएगा, ठीक है? वेट और मास का प्लीज इसका भी डिफरेंस आप कर लेना प्रिंटर, वेट और मास का एक चीज ना समझे, मास ना समझे, वेट नेगेटिव हो सकता है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता, वेट कॉन्स्टेंट रहता मास कॉन्स्टेंट नहीं रहता, मास कॉन्स्टेंट रहता वेट कॉन्स्टेंट नहीं रहता, ये सब चीजें आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखे, ठीक है? वही अब दिया है कि एफ इज इक्वल टू एम जी, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो आप ये सब फाइंड कर सकते हो, नीचे उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी दिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। फ्रेंड्स जो पहले का टेंथ का कोर्स है उससे अभी के कोर्स के न्यूमेरिकल्स काफी इजी है, मैंने सब कंपेयर करके देख लिया, मानता हूँ कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, पर अभी भी साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में फुल पॉसिबल है अगर आपने पढ़ाई की तो, ठीक है? और राजीव वेटिस, राजीव वेटिस 75 एक बार मैं देख लेता हूँ क्या दिया है, फिर वहां पे इतना दिया कि जनरल टर्म्स में हम मास को ही ले लो, अरे बोलता हूँ मेरा वेट सपोज 20 केजी, तो मैंने बोला मेरा वेट 20 केजी है, मेरा मास मुझे 20 डिवाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू एमजी, पर वो नहीं रहता, हम नॉर्मल टर्म्स में अगर तराजू रहता ना, अगर तराजू उसमें भी हम बोलते हैं कि हम वेट कंपेयर करते हैं, पर हम मास कंपेयर करते हैं, फिर भी उसका वेट का नाम देते हैं, इसलिए हम जर्नल आइटम्स में, जी हाँ जर्नल आइटम्स में मास वेट को ही मास समझते हैं, मास को ही वेट बोलते हैं। जो एक एग्जांपल दिया है वो भी एक ही है, वेट दिया है, मास दिया है, रेडियस ऑफ मैन दिया है, ठीक है फ्रेंड्स? जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, इतना कुछ हार्ड है कि आप इजीली समझ सकते हो, मैंने जो डेरिवेशन अभी समझाया वो बार बार देखिए, अच्छे से प्रिपेयर किया, अगर आपने डेरिवेशन प्रिपेयर किए हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है? ग्रेविटेशनल वेव्स डू यू नो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होता है और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। ग्रेविटेशनल वेव्स, waves are created on the surface of water when we drop a stone into it. Similarly, we must have seen the waves generated on a string when both ends are held in hands and it is shaken. यानी एक ऐसे string ली, उसको से नीचे टप किया, उसे shake होता है, उसको अनुभव। Light is also a type of wave, electromagnetic wave. फ्रेंड्स लाइट डुअल नेचर के ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, लाइट कैसे दोनों नेचर की है ये भी आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने जितने भी लिंक्स दिए हैं उसको मैं उसको टॉपिक्स भी दे रहा हूँ, प्लीज सारे वीडियोस देखें, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेज, रेडियो रेज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट देयर एज ऑल द ऑब्जेक्ट्स एमिट द सेम एनर्जी रिसीव दिस एनर्जी एज द नॉलेज। Gravitational waves are a very different types of waves. These have been called waves on fabric of space-time. Einstein particularly this exercise in 1916.
these extremely sensitive particles, okay, among this LHO, laser infective, gravitational wave observability, so permanent one, ठीक है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में. फ्रेंड्स अगर ये एग्जाम में नहीं आते तो क्या हुआ, आप ये इन्फॉर्मेशन पक्का पढ़ के जाइए. इट अ स्मॉल स्टोन होल्डेड इन योर हैंड, विच फोर्स आर एक्टिव ऑन द स्टोन. फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, करोड़ों फोर्स उस स्टोन के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, करोड़ों. What do you observe? What are the force acting on? We know that the force of gravity due to the Earth acts on each other, on each and every object. When we are holding a stone in the hand, the stone was accepting this force, but it was imbalanced by a force that we are applying on the opposite direction. Friends, stone नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि imbalanced force है, ज़्यादा force स्टोन के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे स्टोन ऊपर रह रहा है. अगर वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता तो नीचे जाता. इम्बैलेंस फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. द रिलीज ऑफ फ्री फॉल, ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी कहा था मैं, वी नो दैट देयर इज रूल टू गेट इट बट वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड, the only force that acts on it is gravitational force of the earth, and the stones fall under the influence. Whenever an object move under the influence of the force of gravity alone, it is said to free fall. Yes, dear Jagnathil. इसको ऐसे छोड़ा तो ये जो अभी ये fall देखा है ये free fall. Thus the release stone in free fall, if free fall initial velocity of the object is zero and goes on increasing to the acceleration of the earth, thus true free fall is only possible in vacuum. क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फियर संभव ऑप्शन कर और अ फ्रीली फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ it is said to be an object in zero and goes and increasing due to the acceleration. ठीक है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. फ्रेंड्स जो तीन इक्वेशन दिए हुआ वर्क वर्ड लर्न कर लीजिए. फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी यूज वैल्यू जीरो एंड एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू जी, दस वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज वी इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू 1 अपॉन जी टी स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू जी एस फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. So now for the acceleration is negative. Acceleration negative here. It is a proof that it is a vector unit. The magnitude of g is same, but the velocity of the object decreases. Negative acceleration, okay. The value of g is same for all objects. This is only two objects with respect to the mass and properties. On the other ticket, okay. ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने अभी बताया सब ऐड करके दिए, वो भी आप एक बार रीड कर लेना. ये एग्जांपल सीधे सीधे ये जो तीन इक्वेशंस है उसके ऊपर बेस है, कुछ चीज़ें दी है कुछ नई चीज़ें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. ये इक्वेशंस को जब समझ लो प्लीज 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 डोंट मार्क. अगर आपने ये इक्वेशन समझ ली तो आप कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इज हायर an object of the larger mass why does the object fall down with higher velocity as compared to the object of lower mass? That's why F is equal to ma, a same, m g ho jata hai, a is equal to g, but m
डिफरेंट है, एम ज्यादा तो फोर ज्यादा है, एम फोर ज्यादा है तो नीचे फास्ट आएगा, सिंपल लॉजिक। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये लास्ट टॉपिक है ये लेसन का। हाउ व्हेन वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, लास्ट स्टैंडर्ड और नाइन्थ ईयर, the energy stored in an object because of position of the state of the is called potential energy. Energy is relative and increases as we go to higher heights from the surface of the earth. We are assumed that the potential energy of an object of mass m at height h from the ground is z. When h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g to be constant and we use the formula mgh. ठीक है, ठीक है, तो friends for smaller distances energy is zero and it is nil. friends ये description दिया हुआ है, और when an object is at height h from the surface of the earth, potential energy is g mm upon r plus h. here m and capital m and capital r earth masses and radius respectively. Now escape velocity, ये बहुत नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत नई है, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है. We have seen that when a ball is thrown upwards, velocity decreases because of the gravitation of the earth. The velocity becomes zero after reaching a certain height, and after that the state start falling. Maximum height depends on the initial velocity. According to Newton's third equation, v square is equal to u square plus twice as v is equal to final velocity equal zero, a is equal to minus g, or zero is equal to u square plus twice minus g as the maximum height of the ball is equal to minus u square equal to g. Thus, the higher the initial velocity, the greater the height reached by the ball. The reason for this is the higher initial will bear a ball opposed to gravity. We have seen above that value of g decreases as we go higher above the surface. The velocity is called and yahan pe uski definition diye hai. Thus, the force pulling the ball downwards decreases as the gap the ball goes up. If we kept increasing the initial velocity of the ball, it will reach much larger and larger heights. And above a particular value of initial velocity, the ball will be able to overcome the downward pull of the earth and can accept the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called accept velocity. Escape philosophy. Friends, एक से हम पहले आगे को कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक क्लिप बताऊंगा. An object going vertically upwards from the earth having initial minus will accept the force, it can become zero, and finite distance means the object which we from the gravity of the earth. उसके बाद क्या दिया है? For a mass m, kinetic energy is equal to 1 upon mv square, potential energy is equal to minus gm m upon r, potential energy is equal to gm m upon is equal to 0, infinity upon 0 is equal to 0, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, total energy is equal to kinetic plus potential, which is equal to 0. इस सबसे पता मीन्स एट इंफिनिट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिट डिस्टेंस पे चले जाएगा, मीन्स अर्थ से ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, तब उसकी टोटल एनर्जी जीरो रहेगी और वो कभी नीचे नहीं है. पहले की टोटल एनर्जी आप देख सकते हो तो डिफरेंट है. फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ई इज इक्वल टू ई, हाफ mv square minus gmm upon r is equal to 0, v square is equal to twice gm upon r, v is equal to twice gm upon r whole root,
is equal to twice gr root में और उसकी वैल्यू निकल दी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. दिस केस द स्पेसक्राफ्ट व्हिच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट्स हैव टू इनिशियल वेलोसिटी लार्जर टू स्केप एक्सेप्ट द अर्थ. ठीक है, एग्जांपल दिया वो भी इजी है. अब मैं आपको एक इजी ट्रिक बता दूं एक्सेप्ट वेलोसिटी कैसे एक्सप्रेस होती है. एक्सेप्ट वेलोसिटी फ्रेंड्स, अगर मेरे को यहां पे अगर मैं सब जगह केज है उनको फोर्स लगाना पड़ेगा केज तोड़ने के लिए फोर्स, तो अगर मैंने फोर्स ज्यादा लगाया जितना केज का है तो मैं केज तोड़ के आगे जा पाऊंगा. वैसे ही कुछ चीज को इतने फोर्स से फेंकना कि वो अर्थ की धरती को काटते हुए ऊपर जाए, जैसे कि स्पेस का फर्क करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है. सो उसको ही बोलते हैं फ्री स्पेस. बाकी क्या दिया है, एक सेकेंड, सॉरी एग्जाम्पल दिया है वेटलेस लेस इन स्पेस. स्पेस ट्रेवलर्स एज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस का अपीयर टू बी फ्लोटिंग व्हाइल दिस हैपेंस थ्रू द स्पेस का एट अ हाई और द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो स्पेसिफिकली 11% लेस देन द वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर ग्रेविटी के ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तो वी वुड बी मासलेस. ठीक है, वही सब के बारे में देखा आप लोग रीड कर लेना. फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज भी आप एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेना और ये बार कोड दिया पेज नंबर 15 पे इसको अगर आप स्कैन करोगे तो इसके बारे में वेरियस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट. ठीक है, बाकी सबको ठीक है एक्सप्लेन हो गया है. अगर आपको इससे क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करो कि वी वांट क्वेश्चन वी वांट आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस. अगर मेरे पास कमेंट आई तो जरूर बनाऊंगा. और फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स. प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए. और फ्रेंड्स मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि मैंने दो वीडियो पहले डाल चुका हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोस डाले हैं उसमें से मैं कुछ वीडियोस के लिंक शेयर करूंगा. एक वीडियो और एक मूल फेसबुक से लॉन्च हुई है उसमें मैंने आपको बार QR कोड के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दिए तो आप वो वीडियो जरूर देखें. और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जो मैं पहले बोल चुका हूँ. जय हिंद, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में. बाय फ्रेंड्स.